हाँ सर, कैसे लगी मूवी? महा चूतिया घटिया मूवी। क्यों घटिया? क्या थी मूवी में, मतलब उसका मेन रीजन क्या था मूवी का? क्या हॉरर है, 1% भी हॉरर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं भी डर नहीं लगा। पिछली मूवी में भूत की मूवी में जरूर मेरे टट्टे जाम हुए थे, इसमें तो पूरे खुल गए। और कॉमेडी? पूरी कॉमेडी, कॉमेडी भी 5% कॉमेडी और कुछ भी नहीं उसके अलावा। मतलब हॉरर भी नहीं है, कॉमेडी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, मूवी ही नहीं है ये। जबरन फालतू में जितने सबसे बड़ी दिक्कत तो ये, एक ही कपड़े में उसने पूरी मूवी खत्म कर दी जानवी कपूर ने। और मुझे उसके दूसरे कपड़े भी देखना चाहिए, क्योंकि अब मेरी भी आने शादी होने वाली है, तो अपन मतलब कहीं पर देखेंगे तो कहाँ से क्या देखेंगे। अच्छा, एक्टिंग कैसे थे सबकी? बेकार। राजकुमार राव के भी बेकार? राजकुमार राव तो तोतला था साला, आधी बात तो उसकी सूझी नहीं पड़ी मुझे। और इसकी वरुण शर्मा की? वरुण शर्मा कौन है? वो जो चूचा, ऐसे बोल रहे ना, इसका नाम बोलोगे चूतिया को चूतिया बोलेंगे। कैसे लगी मूवी? सर क्लास फिल्म है, क्लास। आई डोंट नो कि लोग क्यों बुराई कर रहे हैं फिल्म की, क्यों लोग बोल रहे हैं कि फिल्म अच्छी नहीं थी। मेरे हिसाब से ध्यान उनका लड़कियों में था, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है। अच्छा, राजकुमार राव का काम बहुत सही है, राजकुमार राव का काम बहुत सही है। वो जैसे अपनी हर फिल्म में जान डालते हैं ना, इसमें भी उन्होंने अपना 100% दिया। और जानवी कपूर जो है वो अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर रही है, मे बी कि वो भी एक दिन बहुत अच्छी एक्टर बनेंगे। और फिल्म में वरुण शर्मा का काम कैसा? वरुण शर्मा, मैंने जैसा बताया कि वरुण शर्मा का जो रोल है ना वो अल्टीमेट है। वरुण शर्मा को आप जब जब स्क्रीन पे देखते हो तो आपको मजा ही आने वाला है। मतलब मेरे को ये लगता है कि मैं किसी मेरे फैमिली मेंबर को देख रहा हूँ, इतना मजा आता है मेरे को उनको देख। अच्छा, वरुण शर्मा इससे पहले भी जैसे चूचा टाइप के किरदार निभा सकते हो, तो इस फिल्म में भी वैसे ही है कि कुछ अलग है? मेरे को नहीं लगता किसी को उनका नाम वरुण शर्मा याद है, मेरे को भी उनका नाम चूचा ही याद है। मैं जब भी रिव्यू करता हूँ मैं उस बंदे को चूचा ही बोलता हूँ, तो मूवी देखने से पहले मैंने सोचा इस बार तो नाम सही ले ही लूंगा मैं उसका। अच्छा, ये बताइए जानवी कपूर डराने में कामयाब हुई या नहीं? देखिए, जानवी कपूर जो है उन्होंने पूरा काम एक्सप्रेशन पे रखा, उनके लिए डायलॉग। अच्छा, जानवी कपूर एक्सप्रेशन देती है? नहीं, फिल्म में डराना था, अब इससे गंदा एक्सप्रेशन क्या देगी वो। अच्छा, फिल्म में आपको ज्यादा डर लगा या ज्यादा हंसी आई? नहीं, मुझे तो पूरी फिल्म में हंसी आई। मतलब डर वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं लगा मुझे फिल्म में। मतलब कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि अब डर लगेगा, लेकिन हम क्या कॉन्जरिंग भी अकेले देखने वाले लोग हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमें ऐसी फिल्म देख के डर लगेगा। अच्छा, हॉरर है या कॉमेडी? देखिए, कॉम्बो है फिल्म में। हॉरर जो है वो 25% है, लेकिन फिल्म जो मसाला है, कॉमेडी है, एंटरटेनिंग है, वो 75% है। मेरे हिसाब से हॉरर फिल्मों को बनाया जाता है ए लगाकर, कि इस फिल्म को एडल्ट ही देख सकते हैं, लेकिन इस फिल्म को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। फिल्म में ऐसा कुछ गलत नहीं है। अच्छा, इससे पहले जो दिनेश विजन लेकर आए थे स्त्री मूवी जी, कितने परसेंट है? स्त्री फिल्म का मैं 40% कहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि फिल्म का कंपैरिजन मत करो। माना फिल्म को उन्हीं लोगों ने बनाया है, लेकिन स्त्री एक अलग लेवल की फिल्म थी। स्त्री फिल्म जो थी उसने उस तरह की फिल्मों की शुरुआत करी थी बॉलीवुड। नहीं नहीं, उससे पहले भूल भुलैया आ चुकी है सर। देखिए, भूल भुलैया रीमेक थी, बट फिर भी बॉलीवुड की तो पहले स्त्री मूवी वॉज नॉट रीमेक। मतलब मैं कहूंगा भूल भुलैया फिल्म जो थी वो रीमेक थी। और भूल भुलैया के पहले हम लोग 4-5 वैसी फिल्में देख चुके थे, रजनीकांत साहब को हम चंद्रमुखी फिल्म में देख चुके थे, लेकिन स्त्री फिल्म में हमने सारी स्टार कास्ट नहीं देखी। भूल भुलैया के पहले रजनीकांत की चंद्रमुखी रिलीज नहीं हुई थी शायद। और चंद्रमुखी 2005 में डीवीडी पे आ चुकी थी। चंद्रमुखी भी मलयालम मूवी मोहनलाल सर की फिल्म की रीमेक। मैंने आपसे कहा ना, वो फिल्म हर इंडस्ट्री में अलग अलग बनी थी, तो बॉलीवुड में सबसे पहले हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया ही भूल भुलैया थी। लेकिन 2018 और उसके अलावा 2006 तो बहुत फर्क था भूल भुलैया। 2018 और 2021 में फर्क है सर, आप ईयर वाइज कंपेयर मत करो। बाकी बॉलीवुड के पहले हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया ही है। चलिए ठीक है, आप जीते मैं हारा। मतलब ये लक्ष्मी बम देख के भी यही बोलेंगे, लक्ष्मी बम चूतिया, लक्ष्मी बम घटिया थी। अच्छा अच्छा, आपने लक्ष्मी बम की बात दिलाई, तो लक्ष्मी बम और रूही को कंपेयर करें तो क्या कहना चाहोगे? रूही इज बेटर देन लक्ष्मी, क्योंकि कॉमेडी वाइज या हॉरर को मैं अगर स्टार देता मेरी तरफ से तो 10 में से शायद एक भी नहीं देता, या माइनस में कोई होता देने का सिस्टम तो वो देता। बट हाँ, रूही फिल्म को मैं 10 में से 7 स्टार दे सकता हूँ, क्योंकि फिल्म में राजकुमार राव थे। राजकुमार राव जिस फिल्म में, अगर राजकुमार राव को कुछ नहीं गूंगे का भी रोल दिया गया फिल्म में, तो मैं उस फिल्म को 10 में से 10 ही दूंगा। और इस फिल्म में कॉम्बो जो मुझे मिला वो वरुण शर्मा मिला। हीरोइन हम लोग ठीक है, मतलब दो एक्टर्स के बीच में ऐसी अगर कोई हीरोइन आ भी जाती तो हम डाइजेस्ट कर लेते कि चलो ठीक है, स्टार्टर कुछ भी हो, मेन कोर्स जो है वो अच्छा है। हाँ, ऐसा। तो ये बताओ, फिल्म इंटरवल के पहले ज़्यादा एंटरटेनिंग है या इंटरवल के बाद? देखिए, ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। फिल्म जो इंटरवल के पहले है ना, वो पूरी तरह से कॉमेडी है, पूरी तरह से पागलपंती। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कोई हॉरर फिल्म देख रहे हो, आपको ऐसा लगेगा आप एक कॉमेडी फिल्म देखना है। मतलब कि फर्स्ट हाफ आराम से निकल जाए? फर्स्ट हाफ आराम से नहीं, फर्स्ट हाफ कम निकल जाता, आपको पता ही नहीं पड़ता, आप सोचने में मजबूर हो जाते कि ये कॉमेडी फिल्म देखने आया हूँ मैं। लेकिन सेकेंड हाफ में फिल्म बहुत सारे मैसेजेस देती है, बहुत सारे मैसेजेस देती है। मैं स्पेशली लड़कियों से कहूँगा कि उन्हें ये फिल्म देखना चाहिए, या फिर जो लोग समाज में लड़कियों को लेकर एक अलग
सोच रखते हैं उन लोगों को ये फिल्म देखना चाहिए। अच्छा, चुड़ैल की फिल्म इसलिए लड़कियों को देखना चाहिए? एक्चुअली देखना चाहिए, एक्चुअली देखना। कितने स्टार देंगे? आउट ऑफ 10 मैं फिल्म को 7 स्टार्स दूंगा, क्योंकि ये फिल्म में सभी का काम अच्छा था। और जानवी कपूर की एक्टिंग को? जानवी कपूर की एक्टिंग को मैं कहूंगा कि बेटे तुमने इससे पहले पंकज त्रिपाठी के साथ गुंजन सक्सेना में काम करा, तुमने कुछ सीखा। अभी तुमने राजकुमार राव के साथ काम किया, कुछ सीखा। इसके अलावा तुम तुम्हारे साथ चूचा भी था, कुछ सीखा। और अच्छे एक्टर्स के साथ काम करो, कुछ सीखो। उनकी फिल्म बर्बाद करने से अच्छा है कि खुद का करियर। नहीं नहीं नहीं, भले बेचारे कैसे भी हो, बाकी कम से कम जानवी कपूर की ये अच्छी बात है कि कुछ हट के सब्जेक्ट कर रही है। एक्चुअली देखिए, वो जानवी कपूर की वो रेस में नहीं दौड़ रही है, वो रेस में नहीं दौड़ रही है, वो रेस से अलग है। लेकिन मैं कहूंगा कि अभी उन्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखना है और वो एक दिन बहुत अच्छी स्टार बने। और सबसे पहले एक्सप्रेशन, सबसे पहले एक्सप्रेशन। जरूरी नहीं होता कि आप क्लीवेज दिखाओ तो आप हीरोइन बनोगी। बहुत सारी चीज़ें होती है फिल्म में जो एंटरटेनिंग होती है। अगली बार क्या करना तुम? मूवी जैसे स्टार्ट होती है, जैसे रंगीन चंगीन बालों में अपना चूचा और राजकुमार यादव नजर आते हैं। टिकटॉकर टाइप छपरी निब्बा, बिल्कुल फुल टू स्टार्ट कॉमेडी से होती है। हमें लगा कि चलो आगे हॉरर आएगा, धीरे 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 एक आध बीच में सीन आते हैं हॉरर के, बाकी पूरी कॉमेडी कॉमेडी पे उन्होंने मूवी खत्म कर दी है। मतलब है कॉमेडी बढ़िया? हाँ, कॉमेडी अच्छी है पूरी मूवी में। कॉमेडी अगर आप कॉमेडी के हिसाब से देखना जा रहे हो तो मूवी में अच्छी कॉमेडी एक नंबर है। हॉरर कुछ भी नहीं है? हॉरर बीच में एक आध सीन नजर आते हैं हॉरर के, बाकी वो ऐसा नहीं है कि वो हॉरर जैसा हो। हम सोच के गए थे कि भूत जैसे हमने पहले देखी थी तो वो हॉरर थी। आपको इंटरव्यू दिया था हमने पहले भूत के टाइम पे, तो वो हमें भूत के उसके मतलब हॉरर के हिसाब से गए थे, वो हॉरर ही है। नहीं बट ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जैसे कि स्त्री भूल भुलैया थी, तो उस तरह से देखे जाए तो स्त्री के कंपेयर करें तो इसमें क्या? अपन जैसे भूल भुलैया में भी देखे, स्त्री में देखे, जहाँ हॉरर बता रहे हैं वहाँ हॉरर ही बताएंगे वो। आप आदमी सामने वाला डरेगा कि हाँ हॉरर है, बाकी इसमें ऐसा है जहाँ हॉरर बता रहे हैं वहाँ बीच में आप ये गाने डाल रहे हैं तो फिर ये हॉरर के साथ में वो कॉमेडी डाल दिया तो पूरा कॉमेडी नज़र आ रही है, वो हॉरर नज़र ही नहीं आ रही है उसके अंदर। और मतलब एक्टिंग कैसे थे स्टार कास्ट की? एक्टिंग चूचे की एक नंबर, एक्टिंग चूचे की एक नंबर। हमारे बीच में लड़ाई होने वाली थी, ये लोग बीच में हम लोगों को भड़का रहे थे जैसे उनकी स्टोरी चल रही थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कॉमेडी वगैरह स्टोरी सब कुछ एक नंबर था। मतलब फैमिली ऑडियंस को पसंद आएगी फिल्म? हाँ, फैमिली वालों को पसंद आएगी, फैमिली वालों के लिए एक नंबर मूवी। स्टोरी वाइज कैसी थी? स्टोरी वाइज बढ़िया थी, स्टोरी में कॉमेडी डाल दी उन्होंने तो वो स्टोरी अच्छी बना दी। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? आउट ऑफ 5 मैं इसको देना चाहूँगा 2.5। जानवी की एक्टिंग को जो स्टार्टिंग में जो गाना आता है वो मतलब फाड़ू नोरा फाते का पत्ता काट दिया, बिल्कुल नदियों पार वाला बिल्कुल। उसके बाद फिल्म में एक्टिंग कैसी थी? फिल्म में एक्टिंग भी बढ़िया थी, बाकी हाँ हॉरर का सोचा था वो हॉरर आया नहीं। ठीक है, थैंक यू। आ जाओ। मूवी जैसे स्टार्ट होती है, जैसे रंगीन चंगीन बालों में अपना चूचा और राजकुमार यादव नजर आते हैं। टिकटॉकर टाइप छपरी निब्बा, बिल्कुल फुल टू स्टार्ट कॉमेडी से होती है। हमें लगा कि चलो आगे हॉरर आएगा, धीरे 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 एक आध बीच में सीन आते हैं हॉरर के, बाकी पूरी कॉमेडी कॉमेडी पे उन्होंने मूवी खत्म कर दी है। मतलब है कॉमेडी बढ़िया? हाँ, कॉमेडी अच्छी है पूरी मूवी में। कॉमेडी अगर आप कॉमेडी के हिसाब से देखना जा रहे हो तो मूवी में अच्छी कॉमेडी एक नंबर है। हॉरर कुछ भी नहीं है? हॉरर बीच में एक आध सीन नजर आते हैं हॉरर के, बाकी वो ऐसा नहीं है कि वो हॉरर जैसा हो। हम सोच के गए थे कि भूत जैसे हमने पहले देखी थी तो वो हॉरर थी। आपको इंटरव्यू दिया था हमने पहले भूत के टाइम पे, तो वो हमें भूत के उसके मतलब हॉरर के हिसाब से गए थे, वो हॉरर ही है। नहीं बट ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जैसे कि स्त्री भूल भुलैया थी, तो उस तरह से देखे जाए तो स्त्री के कंपेयर करें तो इसमें क्या? अपन जैसे भूल भुलैया में भी देखे, स्त्री में देखे, जहाँ हॉरर बता रहे हैं वहाँ हॉरर ही बताएंगे वो। आप आदमी सामने वाला डरेगा कि हाँ हॉरर है, बाकी इसमें ऐसा है जहाँ हॉरर बता रहे हैं वहाँ बीच में आप ये गाने डाल रहे हैं तो फिर ये हॉरर के साथ में वो कॉमेडी डाल दिया तो पूरा कॉमेडी नज़र आ रही है, वो हॉरर नज़र ही नहीं आ रही है उसके अंदर। और मतलब एक्टिंग कैसे थे स्टार कास्ट की? एक्टिंग चूचे की एक नंबर, एक्टिंग चूचे की एक नंबर। हमारे बीच में लड़ाई होने वाली थी, ये लोग बीच में हम लोगों को भड़का रहे थे जैसे उनकी स्टोरी चल रही थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कॉमेडी वगैरह स्टोरी सब कुछ एक नंबर था। मतलब फैमिली ऑडियंस को पसंद आएगी फिल्म? हाँ, फैमिली वालों को पसंद आएगी, फैमिली वालों के लिए एक नंबर मूवी। स्टोरी वाइज कैसी थी? स्टोरी वाइज बढ़िया थी, स्टोरी में कॉमेडी डाल दी उन्होंने तो वो स्टोरी अच्छी बना दी। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? आउट ऑफ 5 मैं इसको देना चाहूँगा 2.5। जानवी की एक्टिंग को जो स्टार्टिंग में जो गाना आता है वो मतलब फाड़ू नोरा फाते का पत्ता काट दिया, बिल्कुल नदियों पार वाला बिल्कुल। उसके बाद फिल्म में एक्टिंग कैसी थी? फिल्म में एक्टिंग भी बढ़िया थी, बाकी हाँ हॉरर का सोचा था वो हॉरर आया नहीं। ठीक है, थैंक यू। आ जाओ।
नहीं थी। गाने होते भूत 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 चूहे। अच्छा ये बताओ स्त्री और रूही दोनों के मेकर से की कोई कंपेयर किया जाए? स्त्री बेस्ट है, स्त्री में ऊपर आ गया पर हाथ नीचे जा रहा है। तो आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? माइनस माइनस अब माइनस एक वरुण शर्मा राजकुमार का एक आध आधा दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब फिल्म में आपको पूरी तरह से निराश? निराश, पूरी निराश। ये तो रहो मैं आपने वसूल किए पैसे में देखेंगे हमारा वेट कर रहा हूं फिर मस्त मजे करेंगे रिव्यू में। मेटर वालों तो यही बात चल रही थी बस भैया मिल जाए एक बार तो पैसे वसूल। सच में अभी सुजू करते करते आपको याद कर रहा था मैं। मतलब गाली देना नहीं चाहता? देना सही सर। कैसी लगी मूवी? दोनों दोनों साइड से क्या बोलूं यार आज क्या लगी? तुम तो पहले बताओ मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? कौन सी मूवी में पहले लिया था मुझे बताओ? वो सब ठीक है आप पहले बताओ, ये हॉरर मूवी है कॉमेडी मूवी है कौन सी मूवी है पहले हमको ये बताएं। झूठ नहीं सुनूंगा मैं बिल्कुल भी, ईमानदारी से पहले ईमानदारी झूठ नहीं बोलूंगा। पिक्चर का नाम तो नहीं याद है बाकी इतना याद है क्या अपन ने रिव्यू लिया है अब तुम गिर दिए लोग।